चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा अच्छे रहें। और गैस, आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ एक ईमान वाली, एक नेक दुल्हन की स्टोरी। तो गैस बने रहे वीडियो में, और वीडियो स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गैस, ये स्टोरी आपको काफ़ी कहते हैं कि सीख देने वाली है, और काफ़ी आपको ईमान की तरफ ले जाने वाली है, नेकियों की तरफ ले जाने वाली है। तो गैस बने रहे वीडियो में, जब तक आप दी एंड तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आखिरकार स्टोरी का मतलब क्या है और इसमें क्या हमने बताया है, इसका क्या मायना हो सकता है। तो गैस, उसके लिए आपको स्टोरी में बने रहना चाहिए। तो गैस बने रहे वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक बहुत ही नॉर्मल साधारण गांव की और बहुत ही अमीर रिच घर की एक सिंपल सी लड़की थी, जो काफ़ी इबादत गुजार थी, बहुत ईमान वाली थी, लेकिन वो बहुत सिंपल रहती थी। और वो जो उसका परिवार था वो काफ़ी हाईएस्ट था, काफ़ी रिच था, लेकिन वो बेटी थी एक उनकी, जो कि बहुत साधारण रहती थी, बहुत सिंपल रहती थी। उसको कोई मतलब नहीं रहता था दुनियादारी की चीज़ों से, ना उसे कोई शौक से कोई मतलब रहता था, ना ही कोई उसे क्या ये जो शौक फैशन ये इन सब से उसका ज़्यादा गहरा मतलब कोई लगाव नहीं था। तो ऐसे स्टार्टिंग से ही वो बहुत सिंपल थी, छोटे से ही वो काफ़ी सिंपल थी। तो ऐसे ऐसे जब वो बड़ी हो गई, और उसके लिए उसके घर वालों ने सोचा कि हम अब बड़ी बेटी हो गई है तो निकाह भी करना चाहिए, शादी करनी है हमें। तो उस हिसाब से अपनी पोजीशन के हिसाब से वो लड़का देख रहे थे, पर वो उसके घर वाले जो थे उतने ज़्यादा खास ईमान वाले नहीं थे, परहेजगार नहीं थे, ज़्यादा नॉर्मल थे। लेकिन कहते हैं कि दुनियावी और तौर से वो काफ़ी शौक वाले थे, फैशनेबल थे, ज़्यादा फैशन वगैरह ज़्यादा में रहते थे, इंटरेस्टिंग। लेकिन बेटी थी काफ़ी ईमान वाली और ज़्यादातर अल्लाह के ही जिक्र में रहने वाली, उन्हीं की तरफ ज़्यादा ध्यान देने वाली, तो ऐसी बेटी थी। तो उन्होंने कहा कि आखिरकार हमारी बेटी में और हम में ही बहुत फ़र्क है, तो हम ऐसे हिसाब से कहाँ लड़का देखें, कैसे क्या करें। तो फिर कहा कि हमारी लड़की जो है वो ज़्यादातर दीनदारों में ही एडजस्ट हो पाएगी, हो सकता है कि वो अपने सिंपल तरीके से रहेगी और वो लोग ना इसको समझ पाए, और फिर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी बेटी के हिसाब से ही लड़का देखा, और कुछ अपने हिसाब से भी मतलब मैच कर रहा था। तो लड़का देखा और लड़की की मतलब जो भी शादी वगैरह रुक गई, और काफ़ी टाइम तक रुकी रही और एक दूसरे को समझते रहे। उसके बाद जब शादी का टाइम आया, शादी जब फिक्स कर दी, और वो बेटी अपने ईमान पर ही रही। तो उसका जब टाइम आया निकाह का, जब उसकी शादी का टाइम आया, और उसके बाद कहते हैं कि जो भी इनविटेशन कार्ड वगैरह सब अब चले गए रिश्तेदारियों में, और जिस दिन शादी थी उस टाइम पर बहुत सारे रिश्तेदार वगैरह सब आकर के इकट्ठे होने लगे, और घर में खुशियों का काफ़ी माहौल था, और काफ़ी अच्छे से सभी लोग तैयारियां कर रहे थे, और काफ़ी खुशियां घर में थी, क्योंकि शादी में तो अक्सर खुशियां होती हैं, ये तो सभी को पता ही होता है। तो उसमें काफ़ी अच्छा माहौल था, सब कुछ अच्छा था। और इधर लड़की के घर वाले जो थे काफ़ी अच्छे खासे थे, तो उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से काफ़ी अच्छा पार्लर बुक किया, जो अपनी बेटी को दुल्हन बनाने के लिए। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी पार्लर वाली को मतलब हायर किया था। तो जब बारात आने वाले शाम का समय हुआ और बारात आने वाली थी, तो उन्होंने पार्लर वाली को फ़ोन करके बुला लिया और कहा मेरी बेटी को सबसे खूबसूरत बनाना, जो मेरी बेटी कहते हैं हर माँ बाप ऐसा ही सोचते हैं कि हमारी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बने।
तो ये तो उनका भी सोचना था और सभी का ही होता है, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो चाहे वो काफ़ी अमीर इंसान हो। एक एग्जांपल है, हर इंसान यही सोचता है कि मैं सबसे अच्छी मतलब हमारी बच्ची दुल्हन बने। तो पार्लर वाली भी यही सोचती है कि हमारे हाथों से बहुत अच्छी से अच्छी ब्राइडल बने कोई भी लड़की। तो उसके अकॉर्डिंग पार्लर वाली आई और उसको बहुत बेहतरीन दुल्हन बनाया, खूबसूरत दुल्हन बनाया उसको, बेटी को। और रात का फंक्शन था तो बारात आने वाली थी और काफ़ी समय कम रह गया था बारात में, तो उससे पहले ही उन्होंने रेडी करवा दिया, दुल्हन बनवा दी। और दुल्हन बनते बनते काफ़ी टाइम हो चुका था रेडी होते हुए उस लड़की को, और वो रेडी होकर के पूरी तरह से रेडी होकर बैठ ही गई थी। और 8 बज गए, मतलब ईशा की अजान का टाइम हो चुका था और ईशा की नमाज के लिए कहते हैं कि अजान हुई, और अजान से पहले ही जस्ट वो दुल्हन बन के बैठी थी लड़की। तो उसने मतलब कहा, अपनी अम्मी को बुलाया और उसी मेकअप की उसी तैयारी की हालत में कहा, अम्मी ने कहा मैं थोड़ा सा टाइम है और मैं उससे पहले नमाज पढ़ लूँ। तो ये बात सुनकर उसकी माँ एकदम शॉक रह गई कि इतना खर्चा किया और दुल्हन बनवाया है मैंने, इतनी अच्छे से रेडी करवाया, तो एकदम में मतलब अजान हो गई है और तुम नमाज की डिमांड कर रही हो। तो देखो आज तुम्हारी शादी है तो हो सकता है अल्लाह इस बात के लिए माफ़ कर दें और तुम तैयार हो चुकी हो, और तैयार होने के बाद अब तुम वजू करोगी तो मेकअप धुल जाएगा, और मेकअप धुल जाएगा तो तुम कैसी लगोगी, मतलब और टाइम भी निकाह में बहुत कम बचा है। तो इतनी बात सुन के दुल्हन को और भी ज़्यादा हर्ट हुआ, क्योंकि वो ईमान वाली थी, उसके लिए अल्लाह ही सबसे इम्पोर्टेंट था, उसके लिए ये दिखावा नुमाइश करना और शौक फैशन अच्छा दिखना बुरा दिखना ये सब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन दुल्हन तो वो अपने कहते हैं अच्छे से बनी थी अपने माँ बाप की खुशी के लिए, क्योंकि उन्होंने उनका सपना था कि मेरी बेटी सबसे दुनिया की खूबसूरत दुल्हन बने, तो बस वो इसलिए बनी थी। और निकाह में शादी में दुल्हन बनना भी पड़ता है तो उसके लिए भी बनी थी। पर उसी टाइम पर अजान हो गई तो उसका तो ईमान था कि वो नमाज ही पढ़ेगी पहले, तो उसने कहा अम्मी जान अगर मेरा मेकअप धुल जाएगा और नमाज में छोड़ूंगी तो मेरा मेकअप नहीं धुलेगा, और मैं नमाज पढ़ूंगी तो मेरा वजू में मेकअप धुल जाएगा, तो अम्मी जान मैं किसको अच्छी नहीं लगूंगी, इंसानों को अच्छी नहीं लगूंगी या फिर किसको अच्छी नहीं लगूंगी, हो सकता है कि दुनिया को मैं अच्छी ना लगूं पर मेरे अल्लाह को तो मैं अच्छी लगूंगी ना, जब मैं नमाज पढ़ूंगी अल्लाह ताला से मुलाकात करूंगी दुआएं करूंगी उनसे बातें करूंगी और अपना फ़र्ज अदा करूंगी तो अल्लाह को मैं अच्छी लगूंगी और दुनिया को अच्छी नहीं लगूंगी। तो अम्मी जान हमें किसको अच्छा लगना चाहिए, इंसानों को नुमाइश करने में अच्छा लगना चाहिए या फिर अल्लाह को अच्छा लगना चाहिए। तो इतनी सी बात सुन के उसकी माँ की बोलती बंद हो गई और कहा कि जब बात अल्लाह की आती है ईमान की आती है तो बुरा से बुरा इंसान भी खामोश हो जाता है, वो जाहिल ही होते हैं, वो मुशरिक मुनाफिक होते हैं जो मतलब इस बात पर कोई एतराज़ करके बहसबाजी करते हैं या रोक टोक करते हैं या नहीं फॉलो करते हैं। तो देखिए उसकी माँ को पता ही था कि मेरी बेटी बहुत ईमान वाली है और मेरी बेटी इबादत गुजार है और उसको अल्लाह ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे सभी को होता है लेकिन कितना कौन मानता है उनके हुक्म को, ये तो इंसान पर डिपेंड होता है। तो उसकी माँ ने फिर कुछ नहीं कहा और वो बेटी उठी दुल्हन और जाकर के वजू के लिए उसने साबुन से अपना फेस धो लिया, मतलब वॉश कर लिया और पूरा मेकअप उतार दिया उसने और जाके वजू करके नमाज अदा करने चली गई। और वो ईशा की नमाज पढ़ ही रही थी तो अल्लाह की ऐसी रहमत थी कि उसकी रूह कब्ज हो गई सजदे में। तो काफ़ी टाइम हो चुका था तो उसकी माँ ने कहा, निकाह का बिल्कुल ही टाइम करीब आ चुका था तो उसकी माँ ने कहा कि इतना टाइम हो चुका है अभी तक नमाज अदा ही नहीं कर पाई है, क्या करूँ क्या देखें जाके हम क्या हो रहा है।
तो बेटी को काफ़ी टाइम तक सजदे में देखा तो उसने ये सोचा कि शायद सजदे में अल्लाह से बात कर रही होगी। पर जब काफ़ी टाइम हो चुका वो उठ ही नहीं रही थी, तो फिर कैसे, नमाज में डिस्टर्ब करना नहीं है, गुनाह कबीरा होता है, गुनाह होता है, पर कोई ऐसी वजह हो जिसमें कुछ डाउट हो तो फिर कहते हैं कि उसको फिर बुलाना ही पड़ता है। जब आवाज़ भी देते हैं तो बेशक सुनाई दे ही जाता है ना हर नमाजी को, तो वो जल्दी करने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही उसकी माँ ने जवाब सॉरी आवाज़ दी, बेटे उठो, निकाह का टाइम हो रहा है और अल्लाह से दुआएं कर लो अच्छे से कि हमारा मतलब अच्छे से रिश्ता मुकम्मल हो सब कुछ। तो वो उठी नहीं, काफ़ी टाइम हो चुका। फिर क्या किया कि किसी बड़े बुजुर्ग से पूछा कि इसको क्या करें, तो बेटी ने हमारी उठ ही नहीं रही है। तो फिर देखा तो उन्होंने फिर कहा कि इसको थोड़ा सा हिलाओ, मतलब क्या वजह हो सकती है जो अभी तक नहीं उठी। तो देखा तो वो बेटी एकदम, कहते हैं कि रूह कब्ज होने के बाद इंसान हैवी हैवी भारी भारी हो जाता है और फिर वो अलग ही हिसाब का हो जाता है। तो देखा तो शायद उसकी रूह कब्ज हो चुकी थी। तो उसके बाद माँ के और सभी पूरी फैमिली के होश उड़ गए कि मतलब ये क्या हो गया और क्या होने जा रहा था। तो तुरंत सभी मतलब लोग इकट्ठे हो चुके थे कि ये क्या हो गया। फिर वहाँ पर पूछा गया कि क्या हुआ था, मतलब कैसे, नमाज अदा करने गई थी तो कुछ बोला था क्या। तो उसकी माँ ने वही वाक्या दोहराया कि जब मेरी बेटी दुल्हन बन के रेडी हुई थी और तुरंत ही अजान हो गई, तो मेरी बेटी ने कहा कि मुझे अम्मी जान नमाज अदा करनी है। तो हमने उसे रोका कि अभी तो तुमने मेकअप किया है और दुल्हन बनी हो, निकाह में टाइम भी बहुत कम बचा है, तो फिर उसके बाद रेडी नहीं हो पाओगी, तो आज नमाज ना पढ़ो तो अल्लाह शायद माफ़ कर देंगे, आज तुम्हारा बड़ा दिन है। तो उसने कहा कि अम्मी जान अगर मेकअप की वजह से मैं नमाज छोड़ दूंगी और मेकअप में रहूंगी तो मैं किसको अच्छी नहीं लगूंगी, इंसानों को ना, इंसानों को अच्छी नहीं लगूंगी, लेकिन नमाज अदा करूंगी तो मेरे अल्लाह को मैं अच्छी लगूंगी और मेरे अल्लाह को मैं पसंद दूंगी। तो मुझे नमाज ही पढ़नी चाहिए पहले, क्योंकि हमें सबसे पहले अल्लाह का पसंदीदा बनना चाहिए, फिर दुनिया का, दुनिया में कौन है हमारा जो कि हमें पसंद करके भी कहते हैं कि हमारा साथ देगा या कहीं हमें जन्नत में ले जाएगा या फिर हमें सही राह पे चलाएगा। तो इतनी बातें हमारी बेटी बोल के चली गई और हमने इजाज़त दे दी के पढ़ने की। तो फिर उसके बाद जब नहीं उठी तब हमने अभी देखा तो ये हो गया। तो बस उसकी माँ के अंदर वो खौफ आया और काफ़ी काफ़ी वो डर गई थी, घबरा गई थी। तो उससे क्या सभी को ही, पूरी कहते हैं कि महफिल में सभी को एक मिसाल मिली कि कभी भी जीवन में दुनिया के पीछे नहीं भागना और हमेशा अल्लाह का पसंदीदा बनना चाहिए, क्योंकि रूह कब इंसान की कब्ज हो जाए, कब इंसान की मौत आ जाए कुछ पता नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इंसान को हमेशा सुधर के रहना चाहिए और हमेशा अल्लाह के करीब रहना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।